हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में सिनर्जी 2007 के नाम से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय टेक्नोफेस्ट के उद्घाटन के मौके पहुंचे और 3 दिवसीय इस टेक्नोफेस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डर द्वारा शुरू की गई मोबाइल चिकित्सा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोबाइल चिकित्सा बस में खासकर कैंसर को लेकर डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध होगी, जो रोजाना महिलाओं व पुरुषों की निःशुल्क जाँच करेगी। इसके बाद खट्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक मूर्ति का भी प्रत्यारोपण किया। टेक्नोफेस्ट में एनसीआर क्षेत्र से आए प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े गौर से देखा और सराहना की। हरियाणा कैसा हो 2030 में कैसा हो, ये एक विजन हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत से शिक्षाविदों से, बहुत से विद्वानों से, मीडिया जगत से, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से, उद्योगपतियों से, बहुत लोगों से चर्चा की कि आखिर हरियाणा को हमको कहाँ ले जाना है। मैं श्री राम बहादुर जी के इस बात से सहमत हूं कि हरियाणा को एक दिशा देनी है तो उसमें शिक्षा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान है।